नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड की ताजा खबरें। टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक और भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का सोमवार रात जमशेदपुर में निधन हो गया। वो 86 वर्ष के थे। टाटा स्टील ने ईरानी के निधन की जानकारी दी। ईरानी 4 दशकों से ज्यादा समय तक टाटा स्टील से जुड़े हुए थे। वो 43 साल की विरासत को पीछे छोड़ते हुए जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए थे। टाटा स्टील ने एक बयान में कहा कि भारत के स्टील मैन का निधन हो चुका है। अत्यंत दुख के साथ टाटा स्टील पद्म भूषण डॉक्टर जमशेद जे ईरानी के निधन की सूचना दे रही है। उनका निधन 31 अक्टूबर 2022 को रात 10 बजे जमशेदपुर के टीएमएच हॉस्पिटल में हुआ। जीएसटी अक्टूबर में 16.6% बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह है। जीएसटी संग्रह अप्रैल में लगभग 1.63 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड का उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 1.30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक अक्टूबर 2022 में एक सकल जीएसटी संग्रह 1,51,718 करोड़ था। इसमें केंद्रीय जीएसटी 26,039 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 33,396 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी की हिस्सेदारी 81,000 करोड़ रुपए है। नोकिया G65G स्मार्टफोन को आखिरकार 1 नवंबर को देश में लॉन्च कर दिया गया। नए नोकिया हैंडसेट को पिछले हफ्ते ही नोकिया की भारतीय वेबसाइट पर लिस्ट किया गया था। नोकिया G60 5G का एक मिड बजट स्मार्टफोन है। नोकिया स्मार्टफोन को भारत में 29,000 रुपए में लॉन्च किया गया है। फोन की बिक्री देश में 8 नवंबर से शुरू हो जाएगी। नोकिया G60 5G में 6 GB रैम दी गई है। फोन को 128 GB इनबिल्ट स्टोरेज में उपलब्ध करवाया गया है। स्मार्टफोन डुअल सिम सपोर्ट करता है। नोकिया का कहना है कि इस फोन को बनाने में 60% रिसाइकिल की हुई प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। गूगल ने भारत में डिजिटल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए प्ले बिलिंग प्रणाली को रोकने का फैसला किया है। CCI के हालिया फैसलों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। कंपनी ने साथ ही कहा कि वो सभी कानून विकल्पों पर विचार कर रही है। CCI ने पिछले महीने प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में गूगल पर जुर्माना भी लगाया था। नियामक ने कंपनी को अनुचित व्यवसायिक प्रथाओं को रोकने और साथ ही एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिस्पर्धा विरोधी मसलों को हल करने के निर्देश भी दिए थे। गूगल ने कहा कि CCI के हालिया फैसले के बाद हम भारत में उपभोक्ताओं द्वारा डिजिटल सामान और सेवाओं की खरीद के लेन देन के लिए गूगल की प्ले की बिलिंग प्रणाली को रोक रहे हैं। कंपनी ने हालांकि कहा कि वो अपने कानूनी विकल्पों की समीक्षा कर रही है और ये एंड्रॉइड तथा प्ले में निवेश जारी रखेगी। अरबपति कारोबारी एलन मस्क ट्विटर के लिए बड़े बदलाव कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया मंच के मालिक के रूप में उन्हें अपने पहले हफ्ते में कई बड़े बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। कंपनी द्वारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को सोमवार को दी जानकारी के मुताबिक ट्विटर के नए मालिक ने निदेशक मंडल को भंग कर दिया है और खुद को बोर्ड का एकमात्र सदस्य बना लिया है। मस्क ने बाद में ट्विटर पर कहा कि नई बोर्ड व्यवस्था अस्थायी है, लेकिन उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।